हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज है 5 तारीख और 2 घंटे बाद मेरा बर्थडे होगा जब ये वीडियो जाएगी, तो सब मुझे विश कर दीजिएगा हैप्पी बर्थडे। आज मैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियो ऐड कर रही हूँ। जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीविंग की जो वीडियो थी वो मैंने 15 दिन पहले डाली थी, तो ये वही जो वीडियो है इसके लिए मेरे पास तब से रिक्वेस्ट आ रही है जब से मैंने कंसीव किया है। तो ये वीडियो है 2 चीज़ों की। एक है प्रेगनेंसी सिम्टम बिफोर आई मिस्ड माय पीरियड, प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि पीरियड मिस होने से पहले क्या मुझे कोई सिम्टम दिखा था या नहीं दिखा था, या मुझे लग रहा था कि मैं प्रेगनेंट हूँ या नहीं हूँ। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ हो जाती है और बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कि इनको ये सिम्टम है मुझे सिम्टम नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, जो कि अनट्रू है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम मुझे हैं वो सिम्टम आपको पीरियड से पहले हों, और जो सिम्टम मुझे हैं वो आपको कभी हुए ही ना हों। या कई बार ऐसा रहता है कि आपको कोई सिम्टम ही नहीं दिखता, तो जो कि बहुत नॉर्मल है, बट हाँ टाइम रहते रहते सिम्टम आने लगते हैं प्रेगनेंसी की। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होने लगती है वैसे वैसे आपको सिम्टम्स आने लगते हैं। कई बार विदाउट सिम्टम भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, और कई बार किसी को कुछ फील ही नहीं होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने कंसीव किया है या आप करने वाले थे या उस मंथ आप डिसाइडेड प्लान नहीं थे। तो शुरुआत करते हैं 4 तारीख से। तो जब भी शुरुआत करती हूँ मैं, तो 4 नवंबर की बात करती हूँ, उस दिन था करवा। तो उस दिन से कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी चेंज हुई थी, हालांकि ये जो चीज़ है ये इतनी जल्दी नहीं पकड़ में आती, क्योंकि कंसेप्शन के बाद 7 DPO पे आपका कंसेप्शन होता है आफ्टर ओवुलेशन। अगर आपने कम्युनिटीज वगैरह देखी होंगी गूगल पे, तो वहाँ पे 1st DPO 2nd DPO से सिम्टम्स लिखना शुरू कर देते हैं कि मुझे 1st DPO पे ये था, लाइक 1st डे पास्ट ओवुलेशन में मुझे ये सिम्टम था, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2nd पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंसेप्शन होने में ही 7 दिन लगते हैं आपके। तो इसे मैं सिम्टम नहीं मानूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए, अगर मैं उस टाइम से देखूँ कि मेरी ओवुलेशन डेट अगर मैं ट्रैक करूँ, तो मेरे लिए करवा चौथ वाला टाइम 2nd DPO ही था। अगर आपको DPO के बारे में नहीं पता है, तो वो होते हैं डे पास्ट ओवुलेशन। आपकी ओवुलेशन डेट के बाद से आप दिन काउंट करना शुरू करते हैं, जो कि होता है 1st, 2nd, 3rd। 7 DPO पे मैक्सिमम कंसेप्शन 7 से 12 के बीच में माना जाता है, 12 थोड़ा लेट भी हो जाता है कई बार आपका कंसेप्शन, और 14 DPO के आसपास आप करते हैं आपका प्रेगनेंसी टेस्ट। तो जब भी आप सिम्टम्स देख रहे होते हैं, तो आपके मन में 2 चीज़ें आती हैं। हर किसी को PMS सिम्टम होते हैं, PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये एक तरह से जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स। अब देखिए, चीज़ें कोलैप्स करती हैं आपसी में, बहुत सी चीज़ें मैच करती हैं आपसी में, जैसे मूड स्विंग्स, प्रेगनेंसी में भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो 7 दिन पहले से आपको एक सिम्टम आता है आपके पीरियड से पहले, और ये सिम्टम आपकी प्रेगनेंसी में भी आता है। 2nd सिम्टम होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सिम्टम आपकी प्रेगनेंसी में भी आता है, ये सिम्टम आपके पीरियड से पहले भी आता है, ठीक है। और थकान, टायर्डनेस, तो ये सारे सिम्टम आपसे ये मिलते हैं। तो इन सिम्टम्स को आप एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते कि ये मेरा PMS है और ये मेरा प्रेगनेंसी सिम्टम। तो हर चीज़ बहुत अलग होती है। तो शुरुआत करते हैं। 4 तारीख का करवा चौथ था, हमारी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लड़ाई हुई। मैं तैयार हो रही थी और मुझे कहाँ से स्विंग आया और मेरा मूड स्विंग हो गया, और ऑल ऑफ द सडन मैं राजा पे चिल्लाई और हम लोग की लड़ाई शुरू हो गई। राजा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते लड़ाई में, मतलब ये थोड़ा शांत ही रहते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो एक का कम गुस्सा वाला होना ज़रूरी है अगर आपकी रिलेशनशिप को मेंटेन रहना है। तो मूड स्विंग वाली चीज़ है वो स्टिल अभी तक कंटिन्यू है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अपसेट फील करती हूँ, कई बार मेरे को रोना भी आता है, कई बार मैं रोती भी हूँ और मुझे चुप भी कराते हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा अकेलापन लगता है। और मैक्सिमम मुझे एक चीज़ हिट करती है, पता नहीं आ रही, एकदम से आए हैं सब लोग अपनी जगह वैसे ही हैं, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। पता नहीं आपका कहीं ना कहीं होता है, आप थोड़े इमोशनली वो हो जाते हो। तो सबसे पहला सिम्टम मैं यही मानती हूँ। हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग दिवाली से पहले। तो कुछ सिम्टम्स जो मैंने नोटिस किए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मूड स्विंग्स और लड़ाई, ठीक है, ऑल ऑफ द सडन मेरा हाइपर हो जाना, ऑल ऑफ द सडन मेरा रोने लगना कि कोई मुझे छोटी सी बात कह देगा और मैं रो रो दूंगी। तो मैं वैसे बहुत सेंसिटिव हूँ कि अगर मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलता है
तो मुझे बहुत बुरा फील होता है और मैं बहुत अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर देती हूँ कि मेरे को रोना आ गया तो मेरे को रोना आ गया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी जो कि कैमरे में हाइड करनी पड़ती थी। व्लॉग में कई बार ऐसा होता था कि मैं रो के आई हूँ बट मेरे को बहुत नॉर्मल दिखना होता था, क्योंकि आप हर चीज़ को खोद खोद के नहीं वो कर सकते हो कि यार ये हुआ, क्योंकि घर में प्रॉब्लम होती रहती है और कहीं ना कहीं वो मूड स्विंग्स थे जिसका मुझे भी एक्चुअली नहीं पता था कि हम लोग के बीच में एकदम से इतने डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग की सोच मैच नहीं हो रही थी। तो ये सिम्टम मैं अभी तक मानती हूँ और ये अभी तक होता है। उसके बाद फिर 14 तारीख की थी दिवाली, 10, 11, 12, 13, 4 दिन लगातार एक टाइम ड्यूरेशन था। वो टाइम ड्यूरेशन था 11 से 11:30 बजे रात में। तो वो एक ऐसा ड्यूरेशन था डेली रात के 11 से 11:30 के बीच में मुझे एक प्यूकिंग सेंसेशन आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जी खराब हो गया, मेरे को वॉमिटिंग आ रही है, मतलब जी मिचलाना जैसे बोलते हैं। तो वो रेगुलर मुझे 4 दिन फील हुआ था और टाइम स्लॉट सेम था 11 से 11:30, क्योंकि मैंने डेली देखा यार मुझे इस टाइम पे क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं था कि मैंने उस टाइम कुछ खाया पिया है, बट एकदम से होता था कि मुझे प्यूकिश फीलिंग आ रही, कुछ अजीब सा कुछ होता था। फिर भी मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि मेरे लिए प्रेगनेंसी सिम्टम का मतलब होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस PMS सिम्टम भी होता है, प्रेगनेंसी सिम्टम भी होता है, बट ओवर सेंसिटिव ब्रेस्ट अगर आपकी होती है तो मेरे लिए वो प्रेगनेंसी सिम्टम होता है। क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम कंसीविंग की जर्नी रही है, जब मैंने कंसीव किया है, उस साइकिल में अगर मैं एक दो साइकिल हटा दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट टेंडरनेस थी। तो मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस नाम की एक चीज़ भी नहीं थी। इवन हल्का सा भी दर्द नहीं था कि मुझे हल्का सा भी सोरनेस फील हो रही हो या टेंडरनेस कुछ भी फील हो रहा हो। तो जब मेरे को वॉमिटिंग वाली फीलिंग आई थी, जो मैंने आपको 11 से 11:30 बजे वाला बताया, तो राजा ने मुझसे 3-4 बार ये बोला कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो राजा ने मुझसे ये बोला, बट मैं डिनायल मोड पे थी क्योंकि मेरे लिए प्रेगनेंसी सिम्टम सिर्फ वो सिम्टम है। तो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे हो रहा है वो आपको हो रहा हो। उसके बाद थर्ड सिम्टम, तो ये सिम्टम मैंने नोट डाउन नहीं करे थे, ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में थे। 5 तारीख यानी कि 5 नवंबर करवा चौथ के बाद से मुझे सर्दी जुखाम हुआ। तो जुखाम जो है ना, वो अगर आपको हो जाता है तो 3-4 दिन में तो जुखाम का ड्यूरेशन मान लो, कई बार 1 हफ्ते, और उसके बाद फिर 10-15 दिन की वो खांसी वाला। तो वो जुखाम इसलिए अलग था क्योंकि 5 तारीख को मुझे जुखाम हुआ। आपकी इम्यूनिटी डाउन होना शुरू होती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डाउन हो रही थी। और मुझे 5 तारीख को जब जुखाम हुआ, उसके बाद 1 महीना मान लो 30 तारीख तक मुझे एक चीज़ हो रही थी, वो थी मुझे रेगुलर 25-26 दिन लो ग्रेड फीवर था, जो कि 9900। और इस बीच में मैंने टैबलेट खाई होगी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो मेरे को अब लगता है कि मैं बोल रही थी मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई, पर शायद उस टाइम पे मैंने खाई होगी। और सिरप मैं पी रही थी, बेनाड्रिल पी रही थी, और बेनाड्रिल के साथ, और बेनाड्रिल से मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे पैरासिटामोल भी इफेक्ट नहीं कर रही थी कि थोड़े टाइम पे फीवर उतरता था पर अगले दिन फिर फीवर आ जाता था। तो इसे मैंने सिम्टम की तरह नहीं देखा क्योंकि मेरे लिए एक रेगुलर आप मान लीजिए सर्दी खांसी थी, जो कि 20-25 दिन सर्दी खांसी चलती है आपकी, क्योंकि फिर पाँच दिन की सर्दी और फिर 15 दिन की वो खांसी, हाय हाय। तो वो मेरे लिए नॉर्मल था, बट उसके साथ एक चीज़ नॉर्मल नहीं थी, वो था फीवर। उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, फिर मुझे लगा मुझे कोरोना भगवान ना करे हो, क्योंकि हमने अपने एक परिवार के सदस्य को कोरोना में खोया है। तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार टेस्ट कराऊंगी, पर क्योंकि मुझे सर्दी हुई थी फिर मुझे थोड़ा डाउट भी था कि पर ये मेरे को सर्दी खांसी वाला लग रहा है, मुझे कोरोना नहीं लग रहा है। उस टाइम मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आए कि आप कोरोना का टेस्ट करा लो, पर जब वो कॉमेंट आना शुरू हुए थे, क्योंकि बहुत टाइम तक बहुत लंबी ड्यूरेशन में वो बीमारी चल रही थी, पर जब वो कॉमेंट्स आना शुरू हुए तब तक मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आ गया था। तो मुझे लो ग्रेड फीवर था जो कि प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है, तो कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। लो ग्रेड फीवर प्रेगनेंसी में अक्सर होता है। अगर आपका फीवर 101-102 पहुंच रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने आप डॉक्टर मत बनिए। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने चौथे सिम्टम पे। चौथा सिम्टम जो मेरे को नोटिस में आया था वो था एक मेटालिक टेस्ट, जो कि मेरे लिए एकदम नया था। मुझे कभी भी मेटालिक टेस्ट
कुछ फील नहीं हुआ और एक बिटर टेस्ट कड़वाहट थी मुंह में और एक मेटालिक टेस्ट था, जैसे कि मैंने कोई दवाई का पत्ता है वो खा लिया है, कि उसका ऊपर का रैपर खा लिया, वो सिल्वर वाला आता है ना वो, तो वो एक टेस्ट बना हुआ था। पर उस टाइम पे मुझे लगा, देखिए क्या था, मुझे फीवर था, मेरी तबीयत खराब थी वो एक महीना, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब है। तो जब तबीयत आपकी फीवर वगैरह होता है तो मुंह कड़वा होना भी नॉर्मल होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रेगनेंसी सिम्टम थे, बट क्योंकि मुझे सर्दी खांसी फीवर था इसलिए वो प्रेगनेंसी सिम्टम मुझे लग रहा था कि नॉर्मल है, मतलब कि वो फीवर वगैरह के कारण हो रहे हैं। उसके बाद फिर एक सिम्टम था मुझे, वो था टायर्डनेस, मुझे टायर्डनेस थी, मेरे को एक टाइम के बाद ना नींद आने लगती थी, और समर में तो कुछ ज़्यादा, जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ते हो आपको बहुत ऐसी फीलिंग आने लगती है, टायर्डनेस थी, बट फिर भी मैं काफ़ी एक्टिव थी क्योंकि मैंने दिवाली के आसपास बहुत काम किया है, तो टायर्डनेस वाली फीलिंग थी। बट वो फिर से वहीं जाके रिलेट होती है, क्योंकि मुझे फीवर था, क्योंकि मुझे सर्दी थी इसलिए मे बी मुझे टायर्डनेस हो। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं सोच ही नहीं पा रही थी कि वो प्रेगनेंसी सिम्टम है, क्योंकि मैं बीमार थी, तो बहुत लंबी बीमारी थी वो, कि इतना टाइम तक सर्दी खांसी वगैरह और फीवर के साथ थी, वरना फीवर ऐसे आता नहीं है सर्दी खांसी में, हाँ आपको लो ग्रेड आता है पर इतना रेगुलर नहीं आता है। उसके बाद मैं एक चीज़ करती थी पहले महीनों में, अब वो चीज़ भी नहीं मैं मान सकती थी कि वो मेरा सिम्टम है, एक होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज़ BBT, जो कि आप चार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू कंसीव आप BBT चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देन ड्रिप्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ओवुलेशन, जो आपका BBT अगर ड्रिप हुआ है तो सुबह अगर हो सके तो उठते साथ ही आप अपना मॉर्निंग टेम्परेचर या BBT जो टेम्परेचर है वो लेने की कोशिश करें। तो मैं तो रेगुलर टेम्परेचर ले रही थी क्योंकि मुझे फीवर था, तो मैं फीवर थोड़ा अपना वो करती रहती थी। तो अक्सर ये होता है कि पीरियड वाले दिन या पीरियड से एक दिन पहले आपका जो BBT होता है वो गिर जाता है, जो आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। मेरा अगर पीरियड आने वाले होते हैं तो मेरा वैसे टेम्परेचर जो है वो 98 point something रहता है, 98.6, और जैसे मेरे पीरियड की डेट के आसपास मैं हूँ और वो टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो 97 हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे पीरियड आने वाले हैं। तो वो पता बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप ट्रैक करना शुरू करोगे तो कुछ महीने तक करते करते आपको एक रेगुलरिटी पता चल जाएगी, एंड देन आपको उसका आइडिया लग जाएगा, तो चीज़ों को करते करते आपको आइडिया आता है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं ले रही थी पीरियड वाले दिन भी 15 तारीख को, मेरा टेम्परेचर था वो डाउन नहीं हुआ था, बट फिर मुझे लग रहा था यार यही है सर्दी खांसी, मुझे खांसी भी हो रही थी रेगुलर, मेरा गला बहुत ख़राब था, और जब मेरा गला ख़राब भी होता है ना तो वो ज़्यादा ख़राब साउंड नहीं होता है, मुझे नहीं पता, जब लोगों के गले ख़राब होते हैं ना उनके गले बंद हो जाते हैं, पर मेरा जब गला ख़राब भी होता है तो मेरी ना ज़्यादा आवाज़ भारी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है। हाँ आपको थोड़ी सेंस आएगी कि मेरी तबीयत सही नहीं, मेरा गला सही नहीं, पर बहुत भारी नहीं होती है। तो फिर ना मैंने उस दिन भी टेम्परेचर लिया, बट मेरा टेम्परेचर फिर भी 99 point something था, तो मुझे लगा यार कुछ चेक करना चाहिए, मन नहीं था मेरा, पर मैंने तब भी एक टेस्ट लिया। तो राजा कहीं ना कहीं, राजा को लग रहा था कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ डिनायल मोड पे थी, और एक और चीज़ डिनायल मोड पे ये भी थी, देखिए जब आप गूगल सर्च करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पे जाते हो, तो वहाँ पे एक प्रेगनेंसी सिम्टम होता है सर्विकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस जिसे शॉर्ट फॉर्म में मैं CM बोलूँगी, सर्विकल म्यूकस होता है कि आपका अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपका सर्विकल म्यूकस, ठीक है, जो आपके प्राइवेट पार्ट से म्यूकस निकलता है आपके पीरियड डेट से पहले, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट केस था मेरा, तो मुझे लगा यार 90 लोग बोल रहे हैं कि उनका सर्विकल म्यूकस बढ़ जाता है, यहाँ तो बढ़ना क्या डिक्रीमेंट हो गया है, तो मैं पूरा श्योर हो गई थी कि आ रहे हैं पीरियड ये। उसके बाद फिर पीरियड वाले दिन आया, मैंने आप लोगों को बताया कि सुबह मैंने टेम्परेचर लिया बट टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद, पर वहीं मैं 99% श्योर थी नहीं, और कहीं ना कहीं सिम्टम्स जो थे वो और लोगों से मैच नहीं हो रहे थे मेरे, क्योंकि मेटालिक वाला मेरे लिए नया था। हाँ कुछ लोगों को मेटालिक होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस के नाम पे 0, वॉमिटिंग की फीलिंग 4 दिन, सिर्फ वॉमिटिंग हुई नहीं, टायर्डनेस को मैंने फीवर से रिलेट किया, और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन से मैंने टेस्ट किया, और मेरी एक हैबिट है कि जब मैं टेस्ट करती हूँ तो जो
टेस्ट का कवर है वो उस पर ढक देती हूँ। मैं गई, ठीक है, मैंने कैमरा चालू किया क्योंकि उससे पहले मैंने काफ़ी टेस्ट रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। मैंने कैमरा चालू किया कि इनकेस अगर पॉजिटिव आते हैं, जो कि आई एम टू श्योर कि नहीं आने वाला है, 15 मिनट के अंदर आपको टेस्ट रिजल्ट देखना होता है। मैंने टेस्ट रिजल्ट जो था उसका कवर निकाला और वो पॉजिटिव आया, और मैंने देखा तो उसमें एक लाइन आ गई थी, मतलब दूसरी लाइन आ गई थी, विच वॉज नॉट वेरी डार्क, वही 2019 वाला केस। मुझे लगा फिर केमिकल प्रेगनेंसी, तो मेरे पास एक हिस्ट्री है केमिकल प्रेगनेंसी की। केमिकल प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं, कि मेरी डेट है 5 तारीख की, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 4 तारीख को मैंने टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव था, और वो भी डार्क पॉजिटिव, और 5 तारीख को जो कि एग्जैक्ट मेरी पीरियड डेट थी उस पर मेरे पीरियड आ गए। ऐसी प्रेगनेंसी भी थी, तो मैंने टेस्ट किया जस्ट मैं एक दिन के लिए खुश होती हूँ, और जिस दिन मेरी पीरियड डेट थी उस दिन आई, क्योंकि मेरे सिम्टम्स थे इसलिए मैंने एक दिन पहले चेक कर लिया। तो मुझे एक चीज़ पता थी अपनी बॉडी में कि मुझे टाइम ही लगता है, अगर मैं प्रेगनेंट हूँ तो वो उसी दिन प्रेगनेंसी पीरियड वाले दिन कन्फर्म आ जाती है। कुछ लोगों को 1 हफ्ता लगता है, एससीजी इंक्रीज होने में टाइम लगता है, कुछ लोगों की पहले भी आ जाती है। मैंने आपको बताया मैंने एक दिन पहले भी टेस्ट किया था प्रीवियस प्रेगनेंसी में, जो कि एक दिन भी प्रेगनेंसी टिकी नहीं थी, वो पीरियड वाले दिन पीरियड आ गए थे। तो 15 तारीख को मैंने कराया, उसके बाद फिर डॉक्टर जो हैं, अब मैं आपको टेस्ट दिखाती हूँ, तो मेरे पास ना करीबन 10-15 टेस्ट है। तो मैंने ना प्रेगा न्यूज़ में ही वो टेस्ट रखे हुए हैं, मैं वो रूम क्लीन कर रही थी, और उस रूम को क्लीन करते करते वो सारे टेस्ट मैंने कहीं पे रख दिए हैं। तो अभी ये मेरी किचन शेल्फ पे, मतलब एक जगह पे मैंने और रखे हुए थे। तो ये 3 टेस्ट रखे हैं, ये भी इसी लॉट से, मतलब इसी प्रेगनेंसी के लॉट से हैं। अब आप देखिए ये टेस्ट कितने लाइट हैं, जिसमें किसी को भी डाउट होगा कि यार ये प्रेगनेंसी वायबल है या नहीं, ये प्रेगनेंसी चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये मेरे टेस्ट रिजल्ट हैं, क्योंकि 2019 में भी लाइट थे। और अभी फिलहाल ऐसा भी है कि काफ़ी टाइम भी हो गया इन्हें, तो इसलिए भी थोड़ा इनका कलर फेड हो गया, पर फिर भी ये लाइट है। 4-5 सिम्टम्स थे मुझे, उसके बाद 15 तारीख के बाद 22 तारीख या 21 तारीख को मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो आपको 7 डेज के या 8 डेज के अंदर कोई अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट देखना होता है। मैंने अपने सारे टेस्ट लेके गई थी, मैंने उन्हें सारे टेस्ट दिखाए, डॉक्टर को लगा मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, और मैं सीरियसली बहुत स्ट्रेस थी क्योंकि मेरे जो टेस्ट थे वो डार्क नहीं हो रहे थे। और फिर मैंने अपने प्रीवियस केमिकल के बारे में बताया, तो उनने बोला कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी केमिकल थी या कुछ था तो कोई इशू नहीं है, बट आपको एक चीज़ करनी है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, जो कि मैंने एक होल स्टोरी जो है एक प्रेगनेंसी वाली अलग शेयर करी थी, जो कंसीविंग वाली उसमें होगा, कि डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा था। तो डॉक्टर ने मुझसे सिर्फ ये बोला था उस टाइम पे कि रिलैक्स रहो, डॉक्टर ने मेरी फॉलिक एसिड और प्रोटीन पाउडर आपको देते हैं जो दूध में पीना होता है, वो शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि 4-10 दिसंबर के बीच में आप एक सोनोग्राफी शेड्यूल कर लो। इस बीच में उन्होंने मुझे स्लिप काट के दी कि अब जाके एक बार सोनोग्राफी जो है वो करा लीजिएगा। उनने सिर्फ मुझे ये बोला कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहिए, और इससे आगे आपको कोई भी टेस्ट नहीं करना है। अब मैं आपको अपनी फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाती हूँ, जिससे कुछ लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि 6 वीक्स हो गए हैं और बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, तो क्या ये प्रेगनेंसी चलेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार बेबी की हार्ट बीट लेट भी आती है, कुछ लोगों की 6 वीक्स में आती है, कुछ की 7 में आती है, कुछ लोगों की 9th वीक में आती है। तो जो मेरी सोनोग्राफी मैंने कराई थी उसके बाद मैं हड़बड़ा गई थी, और अच्छा खासा हड़बड़ा गई थी, और उसी दिन सोनोग्राफी के बाद मैं डॉक्टर के पास भागी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सोनोग्राफी। हाँ, तो ये मेरी 6 वीक की सोनोग्राफी है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं यूट्रस है, और यहाँ पे ना गेस्टेशनल सैक आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे गेस्टेशनल सैक है। उसके आगे मुझे बिल्कुल भी सोनोग्राफी पढ़नी नहीं आती है। तो ये सोनोग्राफी रिपोर्ट क्योंकि थी 4 तारीख की, ठीक है, 4 तारीख को मैं गई। अब मेरा दिल कहाँ टूटा था ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे सेम लगा था कि ये वही प्रेगनेंसी है जो 2019 में हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको हमेशा एक तरह से क्या कुछ करते रहते हैं ना, जो आपको लगता है कचोड़ते रहते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए। पर इस प्रेगनेंसी में बहुत पॉजिटिव हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉक्टर, उन्हें मुझे बहुत पॉजिटिव रखा है। ये थी समरी, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये देखिए, इसमें ना लिखा है यूट्रस का एनलार्ज, ठीक है, एविडेंस यहाँ पे मिल गया था। मैंने उस टाइम सोनोग्राफी वाले से पूछा था, जो सोनोग्राफी कर रहे थे, कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, या मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्योंकि मेरे को फिर भी डाउट हो रहा था। तो उनने बोला, मतलब उनने बोला कि हाँ, सिर हिलाया था उनने। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अ सिंगल इंट्रा
अ सिंगल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ अबाउट 5 weeks 6 days जो कि होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू माई LMP 6 weeks 4 days जो कि 5 days लेट चल रही थी। सेकेंड चीज जो हिट करी थी मुझे वो थी कि गेस्टेशनल सैक था पर एविडेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी, योक सैक भी था। और यहाँ पे आपको मैंने एक सिस्ट बताई थी, जो सिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो ये सिस्ट प्रेग्नेंट औरतों को हो जाती है और ये सिस्ट है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। उसके बाद अब क्या हुआ, प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई, प्रेगनेंसी है, योक सैक है, बट हार्ट बीट नहीं है और प्रेगनेंसी 5 days डिले थी, जैसे कि मैंने आपको अपना ये समरी दिखाई, तो 5 days डिले थी। अब उसी दिन मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया, जस्ट उनके घर गई थी, आप लोगों को याद होगा एक बार अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते हो। डॉक्टर ने, पता मेरी इतनी अच्छी है ना, उन्हें बोला रिलैक्स, सिर्फ उन्हें बोला रिलैक्स, उन्हें बोला बहुत नॉर्मल है, कई बार ऐसा होता है कि लेट आती है और आपको तो वैसे भी 6 weeks कंप्लीट दिखाई ही रहा है सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो उनने मुझे सस्टेन प्रोजेस्टेरोन टैबलेट आती है जो कि 540 की 10 आती है, 540 की हमें 10 मिली थी, तो 1080 रुपीस की हम लोग 20 लेके आए, तो 20 डेज का उनने मुझे सस्टेन का कोर्स कराया। हाँ, तो उनने सिर्फ मेरी एक टैबलेट शुरू करी जो कि थी सस्टेन, वो थी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट और बाकी थी पॉलिक एसिड और प्रोटीन पाउडर, ये सब कंटिन्यूटी में था। फिर उनने बोला कि आप अभी नेक्स्ट जो सोनोग्राफी है वो 21-22 तारीख तक, मतलब कि 15 दिन बाद एक नेक्स्ट सोनोग्राफी मैं लिख के दे रही हूँ, क्योंकि सोनोग्राफी वाले भी स्लिप मांगते हैं, ऐसे कोई सोनोग्राफी नहीं करता, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ और वो सोनोग्राफी आप करा लेना। उसके बाद वो सोनोग्राफी जो थी वो पॉजिटिव थी, तभी मैं आज स्टेज पे हूँ कि मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर पे हूँ। और उसमें जो डेट्स थी वो भी टाइम आते आते आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्चुअल टाइम पे चलना शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत 5-6 दिन का डिले दिखा सकता है ग्रोथ में। यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं हमारे बिफोर सिम्टम्स प्लस जो मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी थी और प्रेगनेंसी से पहले वाले सिम्टम्स। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम। जो लोग प्रेग्नेंट है वो मुझसे पूछ रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्या सिम्टम होते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते आपको एक्चुअल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जो कि टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, आपको चक्कर आए एकदम से और वॉमिटिंग हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। आपको वॉमिटिंग हो भी सकती है, चक्कर वाला भी नहीं ऐसा होता, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के मिड में, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 15-20 तारीख तक आते आते एक सिम्टम आना शुरू हुआ था मुझे, वो था वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का बहुत ही बुरा सिम्टम होता है यार, सीरियसली बहुत वॉमिटिंग का बहुत बुरा सिम्टम होता है, मर जाते हो पता है, सीरियसली मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी। सुबह अगर ब्रश कर रहे हो, पानी पी लिया आपने और ब्रश किया, सबसे बेस्ट है कुछ ही मत खाओ, मतलब पानी वानी कुछ मत पियो, अगर आप सुबह पहले पानी पीते हो फिर ब्रश करने जाते हो, तो मैं पहले पानी पीती थी फिर ब्रश करने जाती थी, पर अब मैं ब्रश करती हूँ उसके बाद पानी पीती हूँ। तो ब्रश करने जाओ तो पूरा पानी बाहर, अगर आप चाय वाय पी ली बिना ब्रश करें तो फिर तो आप सोच लो। तो ब्रश करते करते एक बार आप वॉमिटिंग करते थे, मतलब मैं करती थी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद एक बार वॉमिटिंग करती थी, जो खाया निकाला, दोपहर का लंच के बाद कुछ नहीं होता था, जैसे डिनर होता था उसके बाद डिनर खाने के आधे घंटे भी नहीं होते थे और पूरा बाहर। तो उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा 1 kg के अराउंड या 1.5 kg के अराउंड वेट पुट ऑन हुआ, मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ, कुछ खाती थी और वो निकल जाता था। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई प्रिस्क्राइब की थी, तो डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं वॉमिटिंग की, बट मुझे उस दवाई से कोई असर नहीं पड़ा। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के फर्स्ट वीक लगा लीजिए, उसके बाद वो सिम्टम चला गया और फिर डॉक्टर की जो दवाई थी वो काम भी करने लगी, और डॉक्टर ने फिर मुझे दवाई दी जिससे मैं को भूख भी लगे, मैं खाना भी खाऊं और वॉमिटिंग भी ना करूं। अब वो दवाई जो है मेरी, और उससे नींद भी आती है, अगर मैं दवाई नहीं लेती हूँ ना तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक सिम्टम आने लगता है जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, टायर्डनेस, पता है, बहुत थकान, बहुत नींद। खाती तो थी मैं, वॉमिटिंग करती थी, जो मैंने बताया नहीं, एक कॉमेंट आता है खाती है सोती है, वो कॉमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। तो वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था और उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है बस आपकी लाइफ में एक चीज़ है, वो है सोना, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, बस सोना है, ठीक है। तो वो मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैं बहुत सोई, मैं ब्लॉग शाम को शुरू करती थी, सुबह तक रहते थे, आप लोग इतने अच्छे थे कि आप लोग हमेशा से मुझे सपोर्ट करते रहे हो, तो ऐसा नहीं था कि मैं सुबह से रूटीन कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ, तो मैं आराम से सोती थी, ठीक है। एक दो रूटीन मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के शूट करे,
बड़ी मुश्किल से शूट हुए वो, उसमें सो सो के। तो वो था कि बहुत नींद आती है, बहुत अच्छा है, आपको सोना भी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अच्छा आराम करो, ठीक है, आराम से खाओ पियो ऐश करो। उसके बाद एक सिम्टम जो था वो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर एक स्मेल आ रही है ना किसी चीज़ की तो आपको 100 times ज़्यादा आती है यार, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी हल्की सी भी कहीं पर कुछ पक रहा होगा ना तो मुझे स्मेल आने लगती है उसकी, इतनी स्ट्रांग आपकी सेंस हो जाती है, आपको स्मेल आने लगती है, मतलब अच्छी अच्छी बुरी बुरी सारी। उसके बाद एक सिम्टम जो था वो था यार फिर से वही मूड स्विंग्स। तो हम लोग की बहुत लड़ाइयाँ हुई एक महीने, उसके बाद फिर बीच में थम गई थी, फिर से शुरू ऐसा है कि है होती रहती है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप बहुत कंपैरिजन करने लगते हो कि ऐसा होता है, और राजा फुल टाइम वर्किंग है तो ऐसा नहीं हो सकता ना वो पूरे टाइम मेरी सेवा करें, क्योंकि वो सुबह से जाते हैं रात में आते हैं और पूरा जो भी है मुझे देखना पड़ता है। पर कहीं ना कहीं आप एक कई बार फीलिंग होती है यार, आप इंसान ही हो ना आखिर में, आते आते एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एंड आपको फिर उसके बाद फील होता है कि यार आप अकेले हो, बहुत कोई नहीं है आपका, ये फीलिंग बहुत रेगुलर आती थी मुझे और स्टिल आती है यार मुझे, बट फिर भी मैं बहुत चिल रहती हूँ, चाहे वो ब्लॉग हो या कुछ हो, बहुत वो रहती हूँ। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, कुछ ऐप्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हो, तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। और जो भी चीज़ें हैं विथ फ्लो जाने दो। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ख़त्म हो गई वॉमिटिंग वाली चीज़, वॉमिटिंग वाली बहुत ही बुरी थी। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ था, मुझे जो सिम्टम आया था वो था चक्कर आना। तो जो पिक्चर सीरियल में दिखाते हैं ना वो सब चीज़ें बाद में आती है, लाइक ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको बाद में आती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस आने लगती है, और वो इतनी बुरी होती है कि जब आप करवट लेते हो ना तो आपको पेन फील होता है, जब आप शार लेते हो ना तो आप सीधे खड़े होके शार नहीं ले सकते, बहुत पेन होता है। तो इवन करवटों में भी बहुत पेन होता है, तो मैं ना पेट के बल सोती हूँ उल्टा थी, मुझे उस पोज के बिना नींद नहीं आती थी, बट अब आती है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती है, मैं उल्टा होकर सोती हूँ, ठीक है, तो अब मैं करवटों में सोती हूँ तो चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद ये वाली वो है, तो जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो विद टाइम बढ़ती जाएगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम भी हुई है, चक्कर आना शुरू हुए थे, मेरा बीपी लो था, लो बीपी कहा जाता है अच्छा होता है, ब्लड फ्लो बेबी के पास अच्छे से जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, बट वेरी लो भी अच्छा नहीं होता, पर डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए। ब्रेस्ट टेंडरनेस विद टाइम इंक्रीज होती जाएगी। एसिडिटी, हाय हाय एसिडिटी, इसे कैसे भूल सकते हो, एसिडिटी किसी के सामने बैठने लायक ही रहते, कई बार मैं किसी के पास बैठी हुई अपने, कभी नीचे मम्मी पापा भी आए तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं डकारे ना मार दूँ, वो बहुत बुरा लाइक डकारे कंट्रोल नहीं होती है तो डकारे बढ़ जाती हूँ। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, बस सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते ऐसा लगता है आपने पता नहीं क्या खा लिया, कुछ खाया भी नहीं है। उसके बाद भी आपको वो होता है फिर फूड क्रेविंग, या फूड क्रेविंग ऐसी कुछ नहीं होती है कि यही खाना है यही खाना है, हाँ एक बार मुझे हुई थी नारियल पानी के लिए और मैं रो भी दी थी ब्लॉग में, और उस टाइम मुझे लोगों ने बताया कितनी बेवकूफ है ये, कोई नारियल पानी के लिए रोता है, तो यार वो सब चीज़ें इमोशनली आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, विच इज ठीक है यार, थोड़े बहुत नाज नखरे उठाने चाहिए, मेरे पास कोई नहीं मेरे नाज नखरे उठाने के लिए, तो मैं खुद ही उठा लेती, खुद ही रो लेती, खुद ही सब कर लेती हूँ। तो ये हुआ फूड क्रेविंग में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्रेविंग नहीं होती है, बट मैं रोटी सब्जी खाने दाल चावल खाने वाली इंसान हूँ और मैं जंक खाती हूँ अभी, जो कि मुझे नहीं खाना चाहिए। मीठा 3 महीने मैंने बिल्कुल नहीं खाया, मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती थी मीठे की। 10 दिन शुरू हुई थी मुझे जब मैंने 2 केक मंगवा के खाए थे, उसके बाद फिर मुझे मीठा खाने का मन नहीं करता, मुझे मीठे से फिर से नफरत हो गई है। तो मुझे मैक्सिमम जो क्रेविंग है वो सॉल्ट खट्टा तीखा ये वाली क्रेविंग होती है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते, अब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ, आपकी बैक में पेन शुरू हो जाता है। कल मैं खाना बना रही थी, ठीक है, मैं रोटी बेल रही थी और मुझे लगा कि मेरी पूरी बैक का कुछ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये एकदम से शेक हुआ। कुल मिला के इतने सिम्टम्स थे, कुछ आए
कुछ चले गए पीरियड में सोने से पहले जो था। पीएमएस और प्रेगनेंसी सिम्टम आपस में बहुत कोरिलेट करते हैं, कंफ्यूज मत होइए, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, वेट करिए पीरियड डेट का या पीरियड मिस होने का, उसके बाद ही टेस्ट करिए, क्योंकि हर औरत को अलग सिम्टम रहते हैं, हर औरत की प्रेगनेंसी अलग होती है, जरूरी नहीं है जो सिम्टम मुझे हैं वो आपको हो। और मेरे सिम्टम्स मैक्सिमम मैं इसलिए नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि मुझे फीवर था, सर्दी थी और बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण मुझे लग रहा था कि ये सब मुझे इसीलिए हो रहा है, और वो एक्चुअल में सिम्टम्स थे। तो एट लास्ट मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो सिर्फ पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही होगा, ठीक है। जितना आप खुश रहेंगे आपके अंदर पढ़ने वाली जान उतना खुश रहेगी। बहुत रिलेशन आपका आपके हस्बैंड के साथ डिस्टर्ब हो सकता है तो उस चीज़ को भी समझदारी से हैंडल करिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा इमोशनल जो क्वेश्चेंट है वो बढ़ने लगता है और वही चीज़ें कहीं ना कहीं लड़ाइयों का कारण बनती है, जैसे मेरे और राधा के बीच में भी हैं, बट आपको कहीं से लगता है हम लोग फिर भी बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। डिस्टर्ब्ड है, आज है, थोड़ा टाइम सही हो जाएगा तो मेरे मूड स्विंग्स थोड़े सही हो जाएंगे, शायद मैं थोड़ा और अच्छा फील करने लगूँ तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाए। टाइम निकालना पड़ेगा हम लोग को, जो कि राजा के पास है नहीं अभी, कि हम लोग टाइम निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बात करने की इमोशनल सपोर्ट की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि फिजिकली आपको कोई हेल्प करा रहा है। बट एक्टिव रहिए जितना एक्टिव रह सकते अपनी प्रेगनेंसी में, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो फॉलो करिए अपने डॉक्टर को, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के अलावा किसी की भी कोई बात मत सुनिए, ना मेरी ना किसी और की, क्योंकि आपके लिए बेस्ट आपके डॉक्टर हैं। और अब कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी, तो मैंने एक सेफ पॉइंट पे जब मैंने अपनी बेबी की दो बार हार्ट बीट सुन ली उसके बाद डिस्क्लोज करी, क्योंकि मैं एक रेगुलर ब्लॉगर हूँ और कई बार ब्यूटी वीडियोज में मैं अपने आप को काट सकती हूँ, बट नॉर्मली ब्लॉग्स में मैं अपने आप को नहीं काट सकती। और कहीं ना कहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी बेली बहुत ज़्यादा शो हो रही थी, प्रेगनेंसी बेली नहीं थी, वो ब्लोटिंग बहुत थी मुझे, जो कि धीरे धीरे आते आते कम होने लगी, और जो एक्चुअल बेली है वो आपकी यहाँ से आती है जो कि अब आने लगी है। तो मैं बिल्कुल भी किसी को किसी कन्फ्यूजन में ये रखना चाहती थी कि आप देख रहे हो एकदम से मेरा बेली दिख रही है और आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। 1900 में से 90% लोग मुझे विशेस देते हैं, और पता है वो विशेस बहुत ज़्यादा लगती हैं और मैं बहुत यकीन करती हूँ, और 10% जो लोग मुझे बोलते हैं कि फेक है, अभी भी पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं ना बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, इवन आई थिंक मैंने नेगेटिव कमेंट पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो 10% लोगों से ना मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो लोग क्या सोचते हैं, तो एज अ डेली ब्लॉगर बहुत डिफिकल्ट हो जाता और छुपा भी क्या पाती, आप लोगों को कहीं ना कहीं यार पता रहता। मेरे कमेंट सेक्शन में जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था तभी लोग प्रेग्नेंट 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 प्रेग्नेंट, तो इससे अच्छा है कि बिना किसी को गुमराह किए मैं चीज़ें बोल दूं, क्योंकि प्रेगनेंसी डिस्क्लोज करने में चाहे चार महीने में करो, 6 महीने में करो, 8 मंथ में करो, जब तक आपका बेबी आपके हाथ में नहीं आ जाता तो वो 9th मंथ ही तो पूरे 9 महीने रहते हैं ना, वही सेफ नहीं होते हैं। तो जब तक आप प्रेग्नेंट हो केयरफुल रहो, क्योंकि 9 मंथ टोटली, आप ये मत सोचिए कि 3 मंथ ही डेंजरस है यार उसके बाद तो सब सही हो जाएगा, तो 9 मंथ तक पूरा ध्यान रखिए अपना, जब तक बेबी हाथ में नहीं आ जाता तब तक प्रेगनेंसी को मैं नहीं समझती वो सेफ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो कई बार दिल घबराता है ना, तो जब तक आ नहीं जाता, तो जितने लोगों की ब्लेसिंग होगी उतनी जल्दी मेरा बेबी मेरे हाथ में होगा। तो आप लोग अपनी ब्लेसिंग देते रहिए, खुश रहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो मेरी सारी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप जल्द से जल्द कंसीव करें। तो अपना ध्यान रखिए, और मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और बर्थडे विश कर दीजिएगा मुझे अगर नहीं किया था। तो चलिए यहाँ से चलती हूँ, कल भी था न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। और हाँ, एक और सिम्टम बोल गई थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसके लिए मुझे लोग बोलते हैं कि मुझे अस्थमा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्टिंग से आना शुरू होती है, एंडिंग तक रहेगी। ये सफर है, ये सफर हम सब लोग मिलके एंजॉय करेंगे। तो चलिए बाय, लव यू ऑल, बाय।